नमस्कार दोस्तों, मैं नम्रता द्विवेदी, मेरे किचन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे मलाई से मक्खन निकालना। बहुत से लोग कहते हैं कि हम मलाई से मक्खन नहीं निकाल पाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि मलाई से मक्खन कैसे निकालते हैं और मक्खन से घी कैसे बनाते हैं। आज हम आपको बताते हैं। दोस्तों, घर में अगर मक्खन बनाना हो तो हम कैसे मक्खन निकालेंगे, इसे हम आज आपको बताते हैं। घर में मक्खन निकालने के लिए हमारे घर में दूध कितना आता है पहले वो हम देखेंगे। जैसे कि अगर आपके घर में दूध 2 लीटर आता है, आधा लीटर आता है, 1 लीटर आता है, जो भी आता है दूध, आप दूध में से डेली मलाई निकाल लेंगे। मलाई आप इस तरीके से निकाल के आप जैसे कि बाउल में एक रखते जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ 4 से 5 दिन की मलाई इकट्ठा की है, जो कि हमने इसे फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में रखने से मलाई खराब नहीं होती है। और हम इसमें थोड़ा सा जोरन मिला देंगे। जोरन मिला के हम कम से कम 2 घंटे तक बाहर रखेंगे, फिर उसके बाद हम फ्रिज में डाल देंगे। फिर हमें फ्रिज में हम रात भर के लिए छोड़ देंगे, सुबह हम इसे निकाल देंगे बाहर। बाहर निकाल के हम आधा घंटे पहले हम बाहर निकालेंगे, ताकि हमारा मक्खन बनाने के लिए मलाई जो है वो नॉर्मल हो जाए। बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा तो मक्खन नहीं निकलेगा, और बहुत गर्म भी हो जाएगा तो मक्खन नहीं निकलेगा। इस वजह से हम इसको फ्रिज से सिर्फ आधा घंटा पहले निकालेंगे और फिर उसके बाद हम मक्खन बनाएंगे। अब हम इसे अभी फ्रिज में रख देंगे। मलाई को मैंने फ्रिज से आधा घंटे पहले निकाल दिया है। अब हम इसमें से मक्खन निकालेंगे। इसके लिए हम पानी भी 1 ग्लास लिए हैं, जो फ्रिज का ठंडा पानी है, और ये बड़ा बाउल है जिसमें हम मलाई को डाल देंगे और मथनी से मथ के निकालेंगे। मथनी से मथने के लिए हमें कम से कम आधा किलो मलाई होनी चाहिए, क्योंकि कम रहेगा तो हम मथनी से मथ नहीं पाएंगे। हाँ, एक बात और है कि आप अगर मथनी से नहीं मथना चाहते हैं, आपके पास समय नहीं है, तो आप इसे जार में भी डाल के मिक्सी चला के निकाल सकते हैं मलाई। वो भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। मलाई को जार में डाल देंगे, आधे ग्लास पानी डाल देंगे, 4 से 5 मिनट आप मिक्सी चलाएंगे, धीरे धीरे करके आप 2 मिनट चलाएंगे, फिर बंद कर देंगे। इसी तरीके से आप 5 मिनट तक मिक्सी चलाएंगे, आपका मलाई आराम से मलाई से मक्खन निकल आएगा जार में भी। अभी हम आपको तरीका बताएं कि गर्मी में हम मक्खन कैसे निकालेंगे। अब हम आपको बताते हैं ठंडी में मक्खन हम कैसे निकालेंगे। ठंडी में मक्खन निकालने के लिए हमें मलाई को हम पहले इकट्ठा करेंगे, और ठंडी में जिसे हमने बोला था जोरन, यानी कि दही आधा चम्मच हम पहले ही मिक्स कर देंगे मलाई में। उसके बाद हम डेली उसमें मलाई निकालते रहेंगे। मलाई निकाल के हम अगर हमको जब मक्खन निकालना होगा मलाई से, तो हम कम से कम फ्रिज से निकाल के 12 घंटा पहले हम मलाई को बाहर रख देंगे ठंडी में। बाहर रखने से नॉर्मल हो जाएगा हल्का, फिर उसके बाद हम मथ के निकाल लेंगे। आपको हमने बताया कि आप जार में भी निकाल सकते हैं, मिक्सी चला के जार में डाल के मक्खन निकाल सकते हैं, और मथनी से मथ के भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम मक्खन अगर मलाई से मक्खन निकाल सकते हैं आसानी से। और मलाई हम फ्रिज में इसलिए रखते हैं क्योंकि 1 दिन का दूध का मलाई तो रहता नहीं है। हमारे यहाँ दूध कितना यूज होता है, 0.5 लीटर यूज होता है कि 1 लीटर यूज होता है, 2 लीटर यूज होता है, तो उस हिसाब से मलाई भी निकलती है। और मलाई हमें कम से कम आधा किलो मलाई होनी चाहिए मथनी से मथने के लिए। अगर हमें मिक्सी में निकालना है जार में डाल के, तो 250 ग्राम मलाई है तब भी हम निकाल सकते हैं छोटे जार में। लेकिन अगर हमें मथनी से मथ के निकालना है, तो हम इसी तरीके से निकालेंगे। इतना मलाई हमारे लिए होना ज़रूरी है। और मलाई फ्रिज में हम रख देंगे तो मलाई में से बदबू नहीं आएगी, नहीं तो मलाई खराब हो जाती है। इस वजह से हम इसको फ्रिज में रखेंगे। और हमें मथने से पहले हम इसे 12 घंटा पहले ठंडी में हम निकाल के बाहर रख देंगे। अब मक्खन जो हमारा निकलता है, उससे हम रोटी में भी लगा के खा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और उसके बाद
इसका मट्ठा भी हम यूज कर सकते हैं। मट्ठा भी बुरा नहीं होता है, टेस्टी होता है, क्योंकि हम फ्रिज में रखते हैं इस वजह से मट्ठा हमारा बहुत अच्छा होता है। इस तरीके से हम मट्ठा भी बना सकते हैं। मलाई मथने के बाद जो निकलता है वो आप पी सकते हैं। जीरा और काला नमक डाल के, जीरा पाउडर आप डाल दीजिए और काला नमक डाल दीजिए, उस तरीके से आप मट्ठा भी पी सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मक्खन नहीं बनाना चाहते हैं इस तरीके से निकाल के, और आप मट्ठा भी नहीं बनाना चाहते हैं, आपके पास समय बहुत कम है, तो आप एक काम और कर सकते हैं। मलाई को आप 4 से 5 दिन की मलाई आप इकट्ठा कर लेते हैं। ध्यान रखेंगे आप उसमें दही नहीं डालेंगे, जो मैंने बताया कि आधा चम्मच दही आप डाल दीजिए। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप मलाई को इतना लेके, और आप उसके लिए आप कढ़ाई में मलाई को डाल देंगे और धीरे धीरे आप चलाते रहेंगे और गरम कर लेंगे अच्छे से, तो घी आपका अपने आप मलाई में से बाहर निकल आएगा। और उसके बाद आप छान लेंगे छन्नी से और मलाई में से घी आपको अच्छे से निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी तरीके से। आप इस तरीके से मलाई में से घी निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं, अब हम इस बाउल से उस बाउल में इस तरीके से मलाई को डाल देंगे, क्योंकि हमें मथने के लिए बड़ा बाउल चाहिए ताकि हमारी मथनी अच्छे से घूम सके। इसी तरीके से हम मथनी को चलाते रहेंगे और कम से कम 10 मिनट तक हम इसी तरीके से मथ लेंगे मलाई को। अभी हम इसमें पानी नहीं मिक्स किए हैं, हम 10 मिनट तक इसी तरीके से इसको मथते रहेंगे, फिर उसके बाद पानी डाल देंगे। अब हम इसमें पानी थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, पानी हमारा ठंडा होना चाहिए फ्रिज का। आप अभी देखेंगे मक्खन हमारा ऊपर आ जाएगा। धीरे धीरे करके हम ऐसे मथ लेंगे, क्योंकि इस तरीके से मक्खन आप ज़्यादा समय नहीं लगता, कम से कम 15-20 मिनट में आप मक्खन अच्छे से निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मक्खन हमारा ऊपर आ गया है। अब इसी तरीके से हम इसको 5 मिनट और मथेंगे, फिर हम मक्खन निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा मक्खन निकल गया है। अब हम इसे दूसरे बाउल में डाल देंगे। आप देख सकते हैं मलाई से मक्खन किस तरीके से आसानी से निकल आता है। घर में हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद हम इसे कढ़ाई में डाल के गरम कर लेंगे, तो इससे हम घी निकालेंगे। आप इसे रोटी से भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप रोटी मगर लगा के खाते हैं तो मक्खन, और मट्ठा भी आप यूज कर सकते हैं इसे। मक्खन मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसी तरीके से आप देख रहे हैं, इसी तरीके से हम धीरे धीरे मक्खन को चलाते रहेंगे। मक्खन हमारा गर्म हो जाएगा, फिर धीरे धीरे इसमें घी निकलना शुरू हो जाएगा। मक्खन से घी हमारा अलग होना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हम इसे 5 मिनट तक और चलाएंगे, फिर हमारा घी एकदम अलग हो जाएगा और फिर हम इसको छान लेंगे। घी हमारा बन के तैयार है, आप देख सकते हैं। मक्खन से इस तरीके से आप घी निकाल सकते हैं। अब हम इसे छन्नी से छान लेंगे घी को। आप यहाँ पे देखिए, हम छन्नी से इसे अच्छे से इसे इसी तरीके से छान लेंगे। हमारा बन के तैयार है। आप इसे रोटी से भी खा सकते हैं, दाल में भी डाल के खा सकते हैं, आप पूजा पाठ में भी यूज कर सकते हैं। आप इस घी से दीपक भी जला सकते हैं और बहुत ही अच्छा होता है घर पे घी बनाना, और बहुत अच्छे से आसानी से आप बना सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं वो लाइक करें, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लाइक सब्सक्राइब दोनों करें। धन्यवाद।